ये जो हमारा स्कूलिंग का सिस्टम, ये जो एजुकेशन का सिस्टम आपने पिछले 60-70-80 साल में देखा है, ये एग्जैक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा शुरू हुआ, तो सबसे बड़ा इशू ये था कि वर्कर्स चाहिए थे, ऐसे वर्कर्स जो कि फैक्ट्रियों को चलाते रहें। क्योंकि इंसान की, आपको बताओ, उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर या इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सारे लोग फार्मिंग में थे, एग्रीकल्चर करते थे, सारे इंडिपेंडेंट थे, ऑटोनोमस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। अब उन लोगों को जो आज़ाद फिरते हों, उठा के शहरों में लाना, छोटी जगह में बंद करना, 9 से 5 काम करवाना, जानवरों की तरह उनको खड़े रखना बहुत ज़रूरी थी कि ऐसे लोगों को क्या किया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए कि लोग ये काम करें जो जो उनकी पर्सनैलिटी से फ़र्क है। तो उसके बाद उनको था कि ये फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, तो उन्होंने उनको उनका लाइफ स्टाइल शुरू में बढ़ाने की भी कोशिश की। जैसे फोर्ड मोटर कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने, उनका एक मॉडल टी था, बहुत कामयाब था, तो उन्होंने अपने ही मुलाज़मों को फोर्ड की गाड़ियां फ्री में दी कि सड़कों में जब चलेंगी तो लोग देखेंगे कितना स्टेटस है। तो ये आज तक यही कॉर्पोरेट में आपको नज़र आता है कि एक स्टेटस दे दिया जाता है, तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन एक गाड़ी दे दी जाती है, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, जिन्हें आपके कमरे में AC लगा होता है, आप घूमते फिरते रहते हैं, आप जनाब बायर सर सफ़र करते हैं कंपनी के खर्चे के ऊपर, और आप इस सोल्यूशन में ये समझते हैं कि आपकी वैल्यू ये है, जबकि वो ये सारा कुछ आपको इसलिए देते हैं कि कल को अगर आप कोई और अपॉर्चुनिटी देखें तो आप ये समझेंगे। मसलन आपने कल को अपना कोई काम शुरू करना है, दुकान खोलनी है, तो आपको ये लगे कि यार मैं अगर दुकान खोलूंगा तो मेरी तो जनाब ये 20-25 लाख की गाड़ी मुझे कंपनी ने दी हुई है, मेरा तो ये मोबाइल फ़ोन है, मुझे तो AC चाहिए, मुझे तो जनाब सेक्रेटरी चाहिए, मुझे तो जनाब ये फ़ोन चाहिए, मुझे तो घूमने वाली कुर्सी चाहिए, मुझे तो 4 सबॉर्डिनेट्स चाहिए, मुझे तो जनाब बेल बजाओ चाय आ जाए। वो इतनी कॉस्ट आपको लगती है तो आप खोल ही नहीं पाते, आपको लगता है यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा अपने काम में इतनी जल्दी। तो वो एक अल्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है स्टेटस का, आपको लगता है कि आपकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है, एग्जैजरेट कर दी जाती है सिर्फ दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जबकि वो आपकी ट्रू वैल्यू नहीं होती। वो इसी तरह आपको देते रहते हैं ताकि एक दूसरे का काम चलता रहे, आप जो 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 कमाते रहते हैं वही चीज़ें वापस सिस्टम में लुटाए जाते हैं, वो आपकी तनख्वाह वापस जाती रहती है, आपके मेडिकल के बिल में, पेट्रोल के बिल में, आपके स्टेटस में, कपड़ों के लिए, आपके जनाब बच्चों की आउटिंग के लिए, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस के लिए, सब वापस चले जाते हैं। वो यानी कि आपकी इकोनॉमी का साइकिल चलता रहता है लेकिन आप वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया था।